इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ TET या स्कॉट संयोजन के बारे में। तो यहाँ पे दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, एक को कहा जाता है TZ ट्रांसफार्मर और दूसरे को कहा जा सकता है मेन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो TZ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग लपेटी जाती है वो मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का केवल 86% ही लपटे जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी साइड में 86% वाइंडिंग का लपेट रहेगा किसके, मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के कंपेयर में, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि आपको कुल लपेट के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के कुल लपेट के एक तिहाई लपेट में न्यूट्रल हमको प्राप्त किया जाता है। मतलब 1900 लपेट है तो उसका 1/3 कर लें तो कितना होता है, 100 लपेट मान के चलते हैं इनकेस, तो 1/3 करेंगे तो हमारा 3 9 3 3 9 लगभग 33 लपेट के पास आपको न्यूट्रल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उसी प्रकार से टोटल लपेट का 1/3 करेंगे तो वहाँ पे हमको न्यूट्रल पॉइंट होगा, प्राप्त होगा TZ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी साइड में इसका जो होता है वो दोनों ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड लपेट की संख्या बराबर होती है, तो NTS बराबर NMS, ठीक है, बराबर रहती है। जितना लपेट सेकेंडरी में इधर होगा उतना लपेट सेकेंडरी में इधर होगा। अब देखना क्या है कि इसमें क्या होता है कि 3 फेज सप्लाई दिया जाता है और सेकेंडरी साइड में दो अलग सेक्शन में दो दो फेज हमको प्राप्त होता है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, इसके इक्विवेलेंट ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम में देखते हैं और इसके इक्विवेलेंट ये डायग्राम है, इसको देखते हैं तो क्या किया गया है, यहाँ PT2 टर्मिनल को सेंटर टिप्ड पॉइंट पे मिला दिया गया है। तो इस PT2 टर्मिनल को जो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर टिप्ड पॉइंट पे इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको सेंटर टिप्ड पॉइंट पे मिला दिए, ठीक है। इसको मिलाने के बाद आपको प्राइमरी साइड में आपको 3 पॉइंट बन जाएगा PT1, उसके बाद PM1 और PM2। इस पॉइंट को नहीं यूज करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट है। तो ये आपको थ्री फेज के लिए R, Y और B के लिए ये टर्मिनल यूज होगा। मतलब 3 फेज इनपुट हम लोग दे रहे हैं R, Y, B प्राइमरी साइड में। तो दोनों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के टर्मिनल्स को किस तरह मैनेज किया गया है ये समझ लिए हम लोग। अब देखना है सेकेंडरी साइड में क्या है। आपको एक टर्मिनल होता है ST1 और ST2 जो कि TZ ट्रांसफार्मर का है, और दूसरा हो जाता है सेक्शन SM2 और SM1 जो कि मेन ट्रांसफार्मर का है। तो एक आउटपुट जो होता है एक जोड़ा से मिलता है टर्मिनल जोड़ा से जो कि TZ ट्रांसफार्मर के प्राप्त हो जाता है, और एक जोड़ा टर्मिनल पॉइंट मिल जाता है एक लोड के लिए जो कि मेन ट्रांसफार्मर से प्राप्त हो जाता है सेकेंडरी साइड से। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर ऐसा उपकरण है जो कि 2 फेज में काम करता है तो उसको वहाँ पे 2 उपकरण हम लोग जोड़ सकते हैं, एक इस सेक्शन में और एक इस सेक्शन में। अब क्या है कि सपोज़ कीजिए अगर 2 फेज का उपकरण है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे क्या, R, Y, B 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो एक 2 फेज से चलने वाला एक उपकरण को R, Y और दूसरे उपकरण को B, Y में जोड़ देते हैं, तब भी काम कर सकता था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, वाई फेज में लोड ज़्यादा पड़ जाता है, तो इस कंडीशन में अनबैलेंस लोड कंडीशन आता है, इसलिए जो है इस तरह का कनेक्शन 2 फेज
सप्लाई वाले उपकरण को देने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि हमारा थ्री फेज जो सीक्वेंस होता है वो 120 डिग्री एंगल में बटा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट जो होता है सेकेंडरी साइड में, वहाँ दो फेज के बीच, मानिए दो फेज इसमें मिल रहा है तो उसके बीच, दोनों के बीच 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल होगा, और इस फेज में जो दो फेज मिल रहा है उसके बीच 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री अंतर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये आपको अनबैलेंस कंडीशन से भी बचाता है, ठीक है। और पावर भी दोनों सेकेंडरी सेक्शन में इक्वली प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए टीटी या स्कॉट संयोजन का उपयोग करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।